गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में आप लोगों को आज इलेवेंथ क्लास फिजिक्स चैप्टर थर्ड मोशन इन स्ट्रेट लाइन एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से, तो पहले तो ये बता दें यहाँ पर फार्मूला कि एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और जहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात आती है तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम इंटरवल, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम इंटरवल जो भी कहिए। यहाँ थोड़ा सा यहाँ लाइट पड़ रही तो हो सकता है ना दिख रहा हो, पढ़े दे रहे हैं। देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, और एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यह है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, यह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। तो क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं इससे क्वेश्चन हमको बताना है। क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए सिटी ए टू सिटी बी एंड रिटर्न बैक विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट, पहला है एवरेज स्पीड ऑफ कार, और दूसरा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। ए कार ट्रेवल्स विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए सिटी ए टू सिटी बी। ये कोई कार है सिटी ए से सिटी बी की तरफ जब जा रही होती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो रिटर्न होती है तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न होती है। तो बताना ये है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। समझिए, ए सिटी है, ये बी सिटी है, यहाँ से जब कार जा रही थी तो कितने से जा रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी, तो कितने से आ रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर से। ये पता नहीं कि डिस्टेंस इसकी कितनी है, तो हम डिस्टेंस को माने ले रहे हैं क्या, एक्स। मान लेते हैं ए सिटी से बी सिटी का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और जब ए से बी तरफ जा रही है कार तो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आते समय 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब ये बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले तो आप ये बताओ कि जाने का डिस्टेंस एक्स है तो आने का डिस्टेंस तो एक्स ही होगा, है ना। अब ये ना कहना हो सकता है सर दूसरे रास्ते से लौटी हो आप पाथ वही लीजिए, ठीक है ना, उसी से रिटर्न होना है, दूसरे रास्ते से नहीं। तो जाने का डिस्टेंस एक्स है तो आने का डिस्टेंस भी एक्स होगा, तो जाने आने का टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन जर्नी है ना, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा, क्लियर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स यानी टू एक्स। फिर क्या करेंगे हम, टोटल टाइम चाहिए तो पहले जाने का टाइम ला लें, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी,
टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस 40 है, वेलोसिटी ये है ना, स्पीड जो भी स्पीड जितने से जा रही है, तो एक्स अपॉन 40 हो जाएगा। तो एक्स अपॉन 40 जाने का टाइम हो गया, और आने का टाइम तो एक्स अपॉन 60 हो जाएगा। तो जाने आने का टाइम तो दोनों का टोटल कर देंगे, अब फिर जाके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देंगे। क्या कहा हमने, ए से बी, ए सी टी का डिस्टेंस हमने एक्स कहा, तो जाने का डिस्टेंस एक्स, आने का डिस्टेंस एक्स, तो हो गया सीधे 2x, ठीक है ना। अब जाने का टाइम तो एक्स अपॉन 60, आने का टाइम जाने का टाइम एक्स अपॉन 40, आने का टाइम एक्स अपॉन 60, टोटल टाइम दोनों का प्लस कर दीजिए, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब डिस्प्ले, अब एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बताओ, कोई ए से गया बी तक, बी से वापस आ गया, तो जाने आने का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, जहाँ से गया वहीं पर पहुँच गया, उतने में लाना है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आने जाने का टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 अपॉन टाइम तो वही होगा, तो 0 अपॉन टाइम कुछ भी हो तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो लगाने का ये हो गया। और रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक की जहाँ बात किया जाए तो उसको भी लिख बता देते हैं, अभी पहले लगाओ, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में। लेट डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी, सिटी ए टू सिटी बी इज एक्स। लेट डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी इज एक्स, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन जर्नी, जर्नी JURNEY, जो भी जर्नी, स्पेलिंग में ना जाइए कि गलत लिख दिया हमने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन जर्नी, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सिटी ए टू बी, तो T1 इक्वल टू लिख देते हैं एक्स अपॉन 40। ये कैसे हुआ है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इससे आया हुआ है ना। और ये फ्रॉम बी टू ए की बात करें तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 60। मीनिंग समझिएगा, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सिटी ए टू बी, ए से सिटी बी तक जाने में कार के द्वारा लिया गया टाइम इतना होगा, और ये इतना होगा, ठीक है ना, ये आवर में रहेगा। अब टोटल टाइम तो टोटल टाइम में दोनों को ऐड कर लेते हैं, हो गया, इतना समझ रहे हैं ना। टोटल टाइम की बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल टाइम टेकन बाय कार इन जर्नी, टोटल टाइम, तो ये एक्स अपान 40 प्लस एक्स अपान 60, ये हो जाएगा कितना आएगा, 120, 3, 2, 5 एक्स अपान 120 कितना आएगा, तो एक्स अपॉन 24, ठीक है, ये टाइम हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना था, 2x था, सो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना है 2x, ये कितना है x अपॉन 24, ये इसे कैंसिल हो गया 48 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया एवरेज स्पीड। इसको तो और बहुत लोग तो इसको ये बताएंगे कि सर जाने का 40 है आने का 60 है तो एवरेज 50 आएगा, हैं जाने का 40 आने का 60 तो एवरेज क्या होगा 50, 40 और 60 का एवरेज कर दीजिए, जबकि ये सही नहीं है, है ना। ये जब ये आधे आधे टाइम में इतना होता तो एक बार हो सकता था, आधे टाइम की स्पीड इतनी होती, आधे टाइम की स्पीड इतनी होती तो एवरेज जो है दोनों को ऐड करके ला सकते थे, ठीक है ना। ये अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें, तो कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जाके लौट आएगी तो इस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, ए से बी गई, बी से ए वापस आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये अब इसमें करने की ज़रूरत है क्या है, ये जीरो है, टाइम कुछ भी हो तो जीरो ही ना आएगा, लिखवा लिखे दे रहे लीजिए यह 24 तो आखिर जीरो ही ना होगा, ठीक है। अब इसको आप ट्रिक से समझिए, देखिए इस हो गया, ये आपको बता दें जैसे ये इसमें समझा रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस का हाफ, यदि हाफ डिस्टेंस की स्पीड अलग हो और हाफ डिस्टेंस की स्पीड अलग हो, जैसे मान लीजिए वो गया आया तो गए जाने आने का डिस्टेंस कितना था 2x था, है ना, जाने आने का कितना था 2x था, तो जब जाने आने का 2x था तो एक जाने वाला x हो गया, आने वाला x हो गया, तो आधे डिस्टेंस में आधे डिस्टेंस की स्पीड अलग थी और आधे डिस्टेंस की स्पीड अलग थी, बात को समझिए, आधे डिस्टेंस का स्पीड अलग हो और आधे डिस्टेंस का स्पीड अलग हो, तो उस केस में जब एवरेज स्पीड निकालते हैं, आधे समझ रहे हैं ना, आधे डिस्टेंस का स्पीड अलग हो, आधे डिस्टेंस का स्पीड अलग हो, तो उसका एवरेज स्पीड लाने के लिए, एवरेज स्पीड लाने के लिए होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये फार्मूला। यदि आधे डिस्टेंस का स्पीड, जैसे टोटल डिस्टेंस कितना था 2x था, तो एक आधा उसका x हुआ, तो x का स्पीड कितना 40 था और आधे का डिस्टेंस फिर x का कितना था 60 था, तो उसके लिए ये फार्मूला, ठीक है ना। तो 2 इंटू इसको लगाते तो क्या आता, ये और ये 40 प्लस 60, इसमें क्या आ जाता, ये इंटू कर डालो तो कितना 48 4 6 20 और इसमें कितना आता, ये 100, तो ये कैंसिल होके आया तो 48, ठीक है ना। तो ये होता है, तो यानी ये मेन पॉइंट समझ लीजिए, यदि हाफ डिस्टेंस अलग स्पीड, हाफ डिस्टेंस अलग स्पीड है, तो उस एवरेज लाने का ये फार्मूला होता है, और यदि हाफ टाइम का स्पीड अलग और हाफ टाइम का स्पीड अलग, किसी में जो टोटल टाइम लग रहा जितना, तो आधे टाइम तक की स्पीड अलग हो और आधे टाइम तक की स्पीड अलग हो, तो उसका एवरेज लाने के लिए v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाता है। यदि ये कहा जाता कि एक घंटे तक इतना स्पीड से चलाओ और आगे एक घंटे में इतना स्पीड, तब ये हो सकता था, समझ रहे ना। आधे डिस्टेंस की स्पीड अलग और आधे डिस्टेंस की स्पीड अलग है, तो ये फार्मूला एवरेज का, और यदि आधे टाइम का स्पीड अलग है और आधे टाइम का स्पीड अलग है, तो उसके लिए एवरेज ये लाते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब तो आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इस ये वाले क्वेश्चन जो है बड़े कंपटीशन में भी पूछ दिया जाता है, ठीक। तो
तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिजिक्स के लिए आपको बता दें, ये प्लेलिस्ट में सब कुछ है, फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम 11 12 है ना, सब पढ़ सकते हैं इसमें।